क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय वेलकम टू कैसे कोशिश लाइव सेशन पार्ट टू। हमने जहाँ छोड़ा था एक सवाल पर, और वो सवाल था, मैम अंग्रेजों ने हमारे कपड़ा इंडस्ट्री को तहस नहस क्यों किया और कैसे किया। वेरी गुड क्वेश्चन। चलो इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। अंग्रेज आए थे इंडिया में 17th सेंचुरी में विद ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक कंपनी थी, वह ट्रेडर्स की कंपनी थी जो लंदन में बनी थी। अब ट्रेडर क्या चाहता है? मुनाफा कमाना चाहता है। सामान खरीदेगा, सामान बेचेगा और मुनाफा बनेगा। तो वो भारत से बहुत सारा टेक्सटाइल खरीद के, कपड़े खरीद के ले जाते थे और अपने देश में बेचते थे, क्योंकि भारत की टेक्सटाइल इतनी सुंदर थी, वो उसको बेचकर उनको बहुत अच्छी कीमत मिलती थी, अच्छी प्राइस मिलती थी। आए तो थे ट्रेड करने के लिए, पर धीरे धीरे ना वो अपने को फैलाने लगे। और एक टाइम ऐसा आया 1757 पे कि वो बंगाल के जो नवाब थे, नवाब सिराजुद्दौला, उनसे वो लड़ पड़े। तो बैटल ऑफ पलाशी हुआ, जिसमें नवाब की हार हो गई और अंग्रेज़ जीत गए। नाम के वास्ते तो उन्होंने एक नवाब को बिठा दिया, मीर जाफर को नवाब बन के बिठा दिया, पर खुद ही राज करने लगे। और जब उन्होंने कहा कि ये पूरा जो कपड़े का इंडस्ट्री है, ये पूरा हम अपने गोद में ले लेंगे, इसको पकड़ लेंगे हम इसको। और उन्होंने कहा इतने लोगों की क्या ज़रूरत है, बैंकर, वीवर, ट्रेडर, ब्रोकर, अकाउंट, इतने लोगों की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जितने लोग होंगे इतना कीमत बढ़ता जाएगा। इसीलिए तो इंडिया कपड़े का इतना प्राइस इतना ज़्यादा था। तो उन्होंने कहा सबको भगा दो, सिर्फ वीवर रहेगा, जो बुनकर रहेगा सिर्फ वही रहेगा, और हम रहेंगे, हम ही आपको पैसा देंगे, हम ही आपसे सामान खरीदेंगे, हम ही बेचेंगे सब कुछ, बस आप और हम और कोई नहीं। तो ये जो इतना बड़ा एक फैला हुआ बिजनेस, इसको मैनेज करने के लिए उन्होंने मैनेजर्स भी रखे थे। उनका नाम हुआ था गुमस्ता। ये देखो गुमस्ता जा रहे हैं, देख रहे हो, सामान लेके जा रहे हैं। वो गांव-गांव जाके वीवर्स के साथ बात करते थे, उनसे पूछते थे तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। अब हर वीवर को ज़रूरत है, कच्चा माल खरीदना है हर वीवर को, बहुत सारे होते हैं, घर में बच्चे हैं, कोई बीमार पड़ गया, कुछ हो गया, पानी टपक रहा है घर में, तो पैसों की तो ज़रूरत होती। और जैसे उन्होंने कर्ज लिया ईस्ट इंडिया कंपनी से, फंस गए, पूरा फंस गए, कि उनको साइन करना पड़ता था कि हम किसी और के पास नहीं बेच सकते, जितना बनाएंगे उतना सारा ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदेगी। पहले उनके पास बड़ा फ्रीडम था, किसी को भी बेच सकते थे और वो नेगोशिएट कर सकते थे, जो मुझे ज़्यादा प्राइस देगा हम उसी को देंगे। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही बायर, और वो कहती थी हम ज़्यादा प्राइस देंगे ही नहीं, हम तो एकदम नीचे के प्राइस में खरीदेंगे। तो वीवर के पास बहुत कम पैसे मिलते थे, और कम प्राइस में खरीद के वहाँ लेके हाई प्राइस में बेचते थे, तो मोटा मुनाफा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स तो बड़े खुश थे। तो इंग्लैंड के जो मिल्स थे बर्मिंगहम में, मैनचेस्टर में, वो तो इतना कपड़ा बना रहे थे, मास प्रोडक्शन हो रहा था कपड़ों का। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि भारत के कपड़े अगर सब खरीदेंगे तो हमारा कपड़ा कौन खरीदेगा। और याद रखना, भारत के कपड़े का प्राइस ज़्यादा था, फिर भी लोग खरीदने को तैयार थे। तो सारे मिल मालिकों ने सरकार पर दबाव डाला, और सरकार ने दो काम किया। नंबर वन, भारत के कपड़े पर उन्होंने मोटा टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने से क्या हुआ, कीमत और बढ़ गई, लोग खरीदने पे थोड़ा सोचने लगे। और दूसरा काम उन्होंने ये किया कि उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा आपको तो मुनाफे से मतलब है, आप ना जहाज भर भर के मिल के कपड़े ले जाओ और भारत में फ्लड कर दो। और वही किया उन्होंने। और पता है कितने चालाक थे, मिल के कपड़ों के ऊपर ऐसे 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 स्टैंप लगाते थे, ऐसे ऐसे ब्रांड लगाते थे, लेबल लगाते थे, कि देखकर इंसान सोचेगा ये तो भारत का ही है, ये देखो कृष्ण भगवान का लेबल, ये देखो शिव जी का लेबल, लेबल देख के लगेगा कि ये तो भारत में ही बन रहा है, पर है एक्चुअली मैनचेस्टर में बना हुआ। ये कपड़ा लाए और भारत के मार्केट्स को भर दिया, और कपड़ा सस्ता भी था, देखने में भी सुंदर और सस्ता भी। तो लोग हैंडलूम को छोड़कर यही कपड़ा खरीदने लगे, जो भारत के बुनकर थे वो तो खाली हाथ बैठ गए। उनकी नीतियों का असर समझने के लिए आप एक डेटा पॉइंट को देखो। 1850 में भारत इंग्लैंड का कितना कपड़ा आता था, 31%, और 1870 में कितना कपड़ा आता था, 50%। मतलब भारत का आधा कपड़ा वहीं से आ रहा है। तो सोचो हमारे वीवर्स का क्या हाल हुआ, और भी बुरा हाल हुआ। 1860 में एक और प्रॉब्लम हो गया, अमेरिका में सिविल वॉर। बर्मिंगहम मैनचेस्टर मिल्स के जो कपास रॉ मटेरियल आता था फ्रॉम अमेरिका,
वो तो बंद हो गया, तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास उपनिवेश है, इंडिया है, इंडिया के किसानों को बोला कि तुम और सारी फार्मिंग बंद कर दो, अनाज वनाज कुछ ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कपास ग्रो करो और हमें दे दो। सारा कपास लेके चले जाते थे, तो भारत के बुनकर किस चीज़ से बुनेंगे? उनका तो हाल और ख़राब हुआ। तो भारत के एक भारत में हमारी एक बड़ी खासियत है, और वो है कि जितनी हमें तकलीफ़ में डालोगे ना, हम उसमें सोल्यूशन निकाल ही लेते हैं, राइट? करेक्ट, करेक्ट है ना? तो उस वक्त भारत के कुछ उद्योगपति थे, उन्होंने कहा इस चैलेंज को हम अपॉर्चुनिटी में कैसे बदलें इसको। तो उन्होंने चाइना ट्रेड कर कर के काफ़ी पैसा बना रखा था, तो उन्होंने शुरू कर दिए मिल्स। सबसे पहला मिल बना मुंबई में, फिर बना बंगाल में, फिर कानपुर में, फिर चेन्नई में, हर जगह मिल्स बनने लगे। और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जैसे जमशेद जी टाटा, दिनशॉ पेटिट, सेठ हुकुमचंद, लाला श्रीराम, लाला गुजरमल मोदी, आर्देशिर गोदरेज, ये सब बड़े बड़े फैक्ट्री ओनर्स थे। इन्होंने खूब मिल्स लगाए, वहाँ से विदेश से, इंग्लैंड से सारे मशीन लाए वो, और दे वर वेरी स्मार्ट। उन्होंने कहा कि अगर हम कपड़ा बनाएं तो फिर इंग्लैंड के साथ हमारी डायरेक्ट कोलिजन हो जाएगी, मारपीट शुरू हो जाएगा, ज़रूरत ही नहीं है, कपड़ा बनाएंगे ही नहीं। उन्होंने कहा हम सूत बनाएंगे, यार्न। तो इतना बढ़िया यार्न बनाते थे, हाई क्वालिटी भी था, मीडियम क्वालिटी भी था, और उसको सिर्फ इंग्लैंड में भी नहीं बेचा, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, जापान, हर जगह पर उसको बेचा। वस्त्र उद्योग के साथ खुल गए बहुत सारे लोहे और इस्पात के कारखाने, रेल लाइनें बिछ गई, ट्रेन इधर से उधर जाने लगे, सामान इधर से उधर चलने लगा, और औद्योगिकरण तेज़ी से बढ़ने लगा, और गांव के जो बेरोज़गार लोग थे वो सारे शहर की तरफ आने लगे। आपको याद है इंग्लैंड में वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर के पास जाते थे? Yes, तो यहाँ वो जॉबर के पास जाते थे, ये एक ही काम करते थे, हाँ, उनके पास नाम लिखाते थे, और जिनकी जान पहचान अच्छी थी, गांव से रिश्ता वश्ता था, उसको वो फटाफट नौकरी लगा देते थे फैक्ट्रीज़ में, और फैक्ट्री को कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ थी, और खूब काम करते थे, और ये बिज़नेस अच्छा चलने लगा। फिर आया 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, और इस वक्त मैनचेस्टर के फैक्ट्री में भी जो बन रहा था और इंडिया के फैक्ट्रीज में भी जो बन रहा था, ब्रिटिश आर्मी ने सब कुछ ले लिया, सारा कपड़ा ले लिया, सोल्जर्स के यूनिफॉर्म बनाने थे, टेंट्स बनानी थी, बैंडेजेस बनानी थी, दनादन जो बन रहा है सब ले रहे हैं। तो इनकी तो बिज़नेस बहुत अच्छी चल पड़ी उस वक्त। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होते ही गांधी जी ने शुरू किया स्वदेशी मूवमेंट, और ये चला अगले 20 साल तक, और इस स्वदेशी मूवमेंट में था कि विदेश के जितनी चीज़ें आ रहे हैं सबको भगा दो, हटा दो। तो देश के लोग विदेशी जो इंग्लैंड से जो कपड़ा आता था, मिल का कपड़ा आता था, उसको वो लोग रास्ते में इकट्ठा करके आग लगा देते थे, ये पिक्चर देखो। और साथ साथ गांधी जी ने ये भी कहा कि हमें अपने आप चरखा काटो, अपने आप सूत बुनो, हैंडलूम को फिर से रिवाइव करो। हमारी देश की जो वस्त्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अंग्रेज़ों ने एकदम दबा दिया था, उसको फिर से हमें वापस लाना है। और इस पे ना शहर शहर में, गांव गांव में लोग सूत काटने लगे, लोग कपड़ा बनाने लगे, और इसका इम्पैक्ट आपको पता चलेगा जब मैं आपको एक डेटा पॉइंट बताऊँगी। इसको देखो, 1920 में इंग्लैंड से भारत 120 करोड़ का कपड़ा आया था, और 1922 में ओनली 57 करोड़, उनका तो बिजनेस ही आधा हो गया। तो इस तरीके से भारत का जो वस्त्र इंडस्ट्री था, जो एकदम तहस नहस हो गया था, ये फिर से रिवाइव हो गया। एक तरफ मिल्स जो अच्छा कपड़ा बना रहे थे, दूसरी तरफ हैंडलूम इंडस्ट्री जो बुनकर जो घर में बनाते थे, उनके पास ना वो फ्लाई शटल मिला, एक नया चीज़ जिससे वो बहुत अच्छी क्वालिटी और जल्दी जल्दी बुनने लगे। जो इंडस्ट्री एकदम नष्ट हो गई थी इंडस्ट्री ले जाने के बाद, हमारे देश में भी वो अच्छी तरीके से चलने लगी। तो कौन सा डिफ़िकल्ट था ये चैप्टर? कहानी की तरह करो ना तो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो आप ये सारांश अच्छी तरह से देख लेना, और आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हो ना ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक वगैरह पे, हम हर रोज़ उस पर इंस्पिरेशनल पोस्ट डालते हैं, आप ज़रूर देखना। हमारा वादा है आपको 5 मिनट में चैप्टर क्लियर। आप एक बार वीडियो देख लो, फिर एक बार चैप्टर पढ़ लो, एकदम क्लियर। अपनी शब्दों में आंसर लिखो, पक्का आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। देखते रहो कोसी।